ये है मोहब्बतें व नागिन जैसे शो के स्टार अनीता हसनंदानी ने 14 अप्रैल को अपना 41th बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर अनीता के पति रोहित रेड्डी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक्ट्रेस केक काटती हुई नजर आईं। अनीता के इस बर्थडे सेलिब्रेशन में उनकी सबसे खास दोस्त व प्रोड्यूसर एकता कपूर, क्रिस्टल डिसूजा, रिद्धि डोगरा व अन्य कई फ्रेंड्स एक्ट्रेस के इस बर्थडे बैश में शामिल हुए। तो वहीं अनीता के जन्मदिन पर उनके पति रोहित रेड्डी ने अपनी व अनीता की एक प्यारी सी फोटो को शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बेबी, लव यू। वहीं इन सब के अलावा हम अनीता व रोहित रेड्डी की वर्तमान लाइफ की बात करें तो जब से इस कपल ने पिछले साल अपने फर्स्ट बेबी का स्वागत किया है तब से ये दोनों अपने बेटे आरव रेड्डी के साथ उनके हर पल को बेहद इंजॉय करते हैं और उनके कई खुशियों भरे पलों को अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। पिछले साल एक्ट्रेस ने जब अपना 40th बर्थडे सेलिब्रेट किया था तब उनका बेटा आरव सिर्फ 2 महीने का था, लेकिन अब वह बड़ा हो गया है। तो वहीं हम रोहित व अनीता की लव स्टोरी की बात करें तो इनकी पहली मुलाकात एक जिम में हुई थी। वहीं रोहित ने अनीता को फर्स्ट टाइम देखा था और उनसे प्यार हो गया, लेकिन तब रोहित इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि अनीता एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। इसके बाद वे अक्सर ही जिम में मिलते थे। वहीं कुछ समय बाद रोहित ने अनीता को एक पब के बाहर अपनी कार का इंतजार करते हुए देखा और तब रोहित ने उन्हें प्रपोज किया। इससे अनीता हैरान रह गई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और काफी टाइम एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2013 में दोनों ने एक दूसरे संग गोवा में शादी रचा ली और आज ये कपल अपनी लाइफ में अपने बच्चे व एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अनीता हसनंदानी का बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छा लगा होगा और यदि आपको सेलिब्रेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से आपके अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में और भी लेटेस्ट खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टैली एंड सिने वर्ल्ड को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।